हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ऐसे तीन फेस पैक या फेस मास्क आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं जो आप लोगों को ऑयली स्किन से छुटकारा दिलवा सकते हैं। मेरी भी ऑयली स्किन है और जो टी जोन एरिया है बहुत ही ज़्यादा ऑयली है, तो मैं इन फेस पैक को ट्राई कर रही हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये है ग्रीन टी फेस मास्क और मैंने यहाँ पे ग्रीन टी ली है, उसके दो टी बैग लिए हैं। और ग्रीन टी हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छी है, हमारे ऑयल और एक्ने को रिमूव करने में हेल्प करती है। देन उसके बाद मैंने इसमें एक चम्मच भर के चावल का आटा डाला है और जो कि हमारे ऑयल को रिमूव करने में हेल्प करता है। देन उसके बाद मैंने एक पूरा नींबू का रस डाला है इसमें और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जब ये एक अच्छा पेस्ट बन जाए देन इसको अप्लाई करेंगे अपने पूरे फेस पर। इसमें जो हमने इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं वो सारे के सारे हमारे स्किन से ऑयल और एक्ने जैसी प्रॉब्लम्स को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। जो हमने इसमें ग्रीन टी यूज़ की है उसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, विटामिन ई होता है, विटामिन B2 होता है जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं और हमारे फेस के ऊपर ऑयल और एक्ने जैसी प्रॉब्लम्स को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। तो अब इसको आप अच्छे से अप्लाई कर लें अपने पूरे फेस पे, एक अच्छी सी लेयर बना लें। और इसमें जो हमने चावल का आटा डाला है वो भी हमारी स्किन से ऑयल को सोखने में मदद करता है और लेमन तो ऑयली स्किन और एक्ने प्रॉब्लम को रिमूव करने में हेल्प करता ही है क्योंकि उसमें भर के विटामिन सी होता है। तो अब इसको अप्लाई कर लेंगे 15 से 20 मिनट के लिए और उसके बाद वॉश कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा फेस मास्क है टमाटर। टमाटर में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है जो कि ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। ये ओपन पोर्स की समस्याओं को भी दूर करने में हेल्प करता है। हमें क्या करना है, एक टमाटर की हाफ स्लाइस लेनी है और उसको अपने पूरे फेस पर जब तक रगड़ना है तब तक कि इसका जो जूस है वो अच्छे से हमारी स्किन में ऑब्जॉर्ब ना हो जाए। और टमाटर में नेचुरल एसिड होता है जो कि एक्ने को साफ करने में मदद करता है और ये हमारी जो फेस की रंगत है उसको निखारने में भी अच्छा फ़ायदेमंद होता है। और इसको अप्लाई करने के बाद अपना फेस वॉश कर लें। ओके गाइस, तो जो हमारा नेक्स्ट फेस मास्क है वो है ऑरेंज पील फेस मास्क। यहाँ पे मैंने संतरे के छिलके का पाउडर लिया है और ये मैंने घर पर ही तैयार किया है। संतरे के छिलकों को धूप में, कड़ी धूप में अच्छे से सुखा कर उसका मिक्सी में ग्राइंड करके उसका पेस्ट बना लें। और मैंने एक भरकर चम्मच यहाँ पर ली है संतरे के छिलके का पाउडर और इसमें विटामिन सी होता है भरपूर मात्रा में। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कोकोनट ऑयल और अब मैं इसमें ऐड करूंगी रोज़ वाटर। कोकोनट ऑयल भी हमारी स्किन में निखार लाने के लिए हेल्पफुल होता है और रोज़ वाटर भी। देन इसको अच्छे से पेस्ट बनाने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा कच्चा दूध, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं इंग्रेडिएंट। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये एक फाइन पेस्ट तैयार हो जाए तो अपने फेस पर अप्लाई कर लेंगे। संतरे के छिलके में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी एजिंग के गुण पाए जाते हैं और ये हमारे पोर्स को खोलते हैं और हमारे स्किन से डेड स्किन को रिमूव करने में हेल्पफुल होते हैं और हमारी स्किन में निखार लाने में बहुत ही लाभदायक होते हैं। तो अब हम इस पेस्ट को जो हमने तैयार किया है अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लेंगे। देन 15 से 20 मिनट के बाद इसको अब धो लेंगे और आप देखेंगे आपका स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, मुलायम हो जाएगी। जितने भी हमने इसमें इंग्रेडिएंट ऐड किए हैं सारे के सारे ही हमारे फेस पे ऑयल को रिमूव करने में और हमारी जो स्किन की रंगत है उसको निखारने में हेल्पफुल हैं। जो हमने इसमें कच्चा दूध ऐड किया है वो एक क्लिंजिंग का काम करता है बहुत अच्छे से, हमारी स्किन पे जितने भी डर्ट वगैरह होती है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। आप इनमें से कोई भी फेस पैक ट्राई कर सकते हैं और रेगुलर आपको ट्राई करना है तो आप देखेंगे कि आप अपने ऑयली स्किन से छुटकारा पा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को करें लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय।